भाइयों और बहनों, आज हम माँ कामाख्या का मंदिर उसके बारे में जान लेते हैं। माँ कामाख्या का मंदिर जिसका पौराणिक इतिहास और महत्व लोगों को हैरान कर देता है। कहते हैं यहाँ पर कोई मूर्ति नहीं बल्कि यहाँ देवी सती के योनि भाग की ही पूजा अर्चना की जाती है। भारत में देवी के शक्तिपीठों की बहुत मान्यता है। कुल 51 शक्तिपीठ है जो अलग अलग जगहों पर मौजूद है और हर शक्तिपीठ का अपना एक अलग इतिहास और महत्व है। ऐसा ही एक शक्ति धाम है माँ कामाख्या का मंदिर जिसका पौराणिक इतिहास और महत्व लोगों को हैरान कर देता है। कहते हैं यहाँ पर कोई मूर्ति नहीं बल्कि यहाँ देवी सती के योनि भाग की ही पूजा अर्चना की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस शक्तिपीठ को तंत्र मंत्र की साधना के लिए भी सबसे उत्तम माना गया है। तंत्र साधना के लिए प्रसिद्ध है ये मंदिर। मान्यता है कि भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से कटकर जब देवी सती के अलग अलग अंग भिन्न भिन्न स्थलों पर गिरे तो देवी का योनि भाग असम के गुवाहाटी के एक पहाड़ी पर गिरा और वहीं पर माँ कामाख्या की मंदिर स्थापना हुई। ये मंदिर खास तौर में तंत्र साधन के लिए विख्यात है जहाँ देवी सती के योनि भाग की आज भी पूजा की जाती है। यूं तो साल भर यहाँ तांत्रिकों का जमावट लगा ही रहता है, लेकिन नवरात्रों में खास तौर से यहाँ पर सिद्धियाँ प्राप्त करने के लिए और तंत्र साधना के लिए लोग उमड़ते हैं। हर साल लगता है अंबुबाची मेला। जून के महीने में हर साल कामाख्या देवी के मंदिर में अंबुबाची मेला का आयोजन किया जाता है। इतिहास और महत्व सभी को हैरान से भर देता है। कलयुग में यहाँ एक चमत्कार देखने को मिलता है। इस मेले के दौरान माँ कामाख्या मंदिर के गर्भगृह के कपाट 3 दिनों के लिए खुद ही बंद हो जाते हैं और इस दौरान कोई भी माँ के दर्शन नहीं कर पाता। मान्यता है कि इन 3 दिनों तक देवी माँ रजस्वला रहती है और चौथे दिन जब गर्भगृह के द्वार खुद खुलते हैं तो देवी के आसपास बिछा सफेद वस्त्र रक्त से लाल हो जाता है जिसे भक्तों में बांटा जाता है। कहते हैं कि प्रसाद के रूप में मिले इस कपड़े को धारण करने से हर मनोकामना पूरी हो जाती है। माँ कामाख्या से पहले जरूरी है भैरव के दर्शन। कहा जाता है कि कामाख्या मंदिर से कुछ ही दूर उमानंद भैरव का मंदिर है। माता के दर्शन से पहले प्रभु के दर्शन बेहद जरूरी होता है। बिना उमानंद भैरव के दर्शनों के कामाख्या देवी के दर्शन नहीं किए जाते। ये मंदिर ब्रह्मपुत्र नदी के एक टापू पर स्थित है। व्यूअर्स, हम ऐसे और रोचक वीडियो आपको देने वाले हैं, तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा।